नमस्कार, आप देखे राजधानी समाचार। बात की जाए भोपाल की तो भारतीय जनता पार्टी के हम भाजपा कार्यालय हमारे साथ सुमित्रा वाल्मीकि जी हैं, जो राज्यसभा सांसद चुन के आई मध्य प्रदेश की ओर से। क्या संदेश रहेगा आज और क्या खुशी है आज, कई करता हूँ आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी केंद्र के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगी, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, और प्रदेश के नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को, संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर उन्होंने विश्वास किया है। और उनका जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि राष्ट्र की मुख्य धारा से अनुसूचित जाति जुड़े, उस पर उनके विचार पर खरे उतरने की पूरी कोशिश होगी। जहाँ तक है, एक महिला को आज तक के इतिहास में भारत के जब से देश आज़ाद हुआ और यदि उसके पूर्व भी कहा जाए तब से मैंने ना भी कोई इतिहास में पढ़ा है, ना भूतो और ना भविष्य थे, किसी महिला को उच्च सदन में जाने का अवसर मिला हो। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है, अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर विश्वास किया है और एक महिला होने के नाते उन्होंने उच्च सदन में पहुंचाने का कार्य किया है। जैसी संगठन की मंशा है कि ये वर्ग मुख्य धारा से राष्ट्र के जुड़े, बहुत महिलाओं में अभी राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं, उनको आगे लाने के लिए संगठन का जो उद्देश्य है उसे पूरा करने का प्रयास करूंगी। 2023 में विधानसभा चुनाव है, फिर 2024 में लोकसभा रहेंगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी और क्या संदेश रहेगा? भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, अभी आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी हमारा वर्ग और जो सामाजिक समीकरण है वो आज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम उठाया है तो मुझे ये मालूम है कि हमारा समाज, हमारा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा। तो आप देख रहे थे राजधानी समाचार, राजधानी समाचार से निये विश्वकर्मा की रिपोर्ट, भोपाल। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।